हरि ओम 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 हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, जय जय श्री राधे बम भोले। ओम 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 हरि ओम 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 शिव 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 शंभो। फरीदाबाद जिंदाबाद। बैठो लाला लालिया बैठो। ये दिल्ली में हर महीने कुंभ मेला चल पड़ा है, क्या बात है। अभी तो रास्ते में न जाने कहाँ कहाँ सत्संग करते करते लोगों को वहाँ थाम के आए, तो भी पंडाल छोटा कर दिया। आज बैठते जाओ लाला लालिया। फरीदाबाद जिंदाबाद। तुम तो यहाँ बैठे लाखों लोग, लेकिन जी जागरण के द्वारा देश विदेश में 156 देशों में देखते होंगे सुनते होंगे। हम कल आए मुजफ्फरनगर के पास है शुक्रताल, जहाँ सुखदेव जी ने कथा की थी। कई वर्षों से लोग बोल रहे थे समिति वाले, मैं क्या एक बार चक्कर मार के जाऊंगा, पहले भी एक बार गया था। तो वहाँ से आते आते कितने घंटे लग गए, है तो 1.5 घंटे का रास्ता, 2 घंटे बहुत हो गया। तो दोपहर को चले थे, यहाँ रात को पहुँचे 11 बजे। रास्ते में बस चक्का जाम, बापू को बापू आ रहे हैं, रोको रोको रोको, क्या बात है। अब यहाँ भी आते आते कितनी जगह पर लोग खड़े थे, फूल लेकर क्या क्या लेकर। और बरेली से मुरादाबाद जाते जाते भी पूरा दिन हो गया। अब वो कुप्रचार करने वाले कुछ और कुछ रंग लाओ ताकि भीड़ घटे, मेरे को भी आराम मिले। ये जो कुप्रचार कर रहे हैं वो सब बातें सच्ची मान लो आप लोग। नारायण हरि। बैठो लालिया बेटियां देवियां बैठो। लाली मेरे लाल की, जित देखूं उत लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई खुशहाल, सियावर रामचंद्र। बाप रे बाप, हाय हाय कर लूं, हाय बोले। मैं व्यापारी हूँ, बोलता मैं व्यापारी हूँ, मैं व्यापारी हूँ, व्यापारी दुनिया भर के भले हो, लेकिन प्रभु जैसा व्यापारी मैंने कहीं देखा ही नहीं। भगवान ऐसे गजब के व्यापारी हैं, सब बनियों के बनियों, बनियों के बनियों, उनके बाप के बाप, बाप के बाप, कितना भी बोलूं अंत नहीं। ऐसे भगवान व्यापारी, और भागवत में आता है। तो भगवान के वचन और बुद्ध के वचन और शास्त्रों के वचन आज कुछ तुमको सुनाऊंगा, जिससे भगवान के व्यापार का फायदा उठाओ। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ये साधु संतों का तो लंबी कतार, बाप रे बाप। जय जय सिया राम, दंडवत प्रणाम महाराज। संतों के घर बैठे दर्शन हो रहे हैं, कोई कहीं से, कोई हरिद्वार से, कोई मुरादाबाद से, कोई किसी से। जय जय सिया राम, नारायण नारायण। ये कैसा जादू है, भागवत में आता है भगवान कैसे व्यापारी हैं। गजब के व्यापारी हैं भगवान, और भगवान का व्यापार ही हमको यहाँ ले आया है। भगवान अगर तीव्र व्यापारी नहीं होते तो हम और आप इधर होते भी नहीं। भगवान का ऐसा व्यापार है। पंडाल वाले रातों रात पंडाल बढ़ा देना, फिर छोटा कर दिया। फरीदाबाद जिंदाबाद।
जो टीवियों में तो देखते हैं, लेकिन ऐसा नजीक से देखने का मौका मिला है तो हाथ ऊपर करो। ले नए नए ग्राहक। अभी तो ग्राहक की और बढ़ गई। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कि भगवान कैसे बनिया है, ग्राहकों से माफी मांगते फिरते। भगवान माफी मांगते फिरते हैं, भक्तों के चप्पल उठाते फिरते हैं, भक्तों की घोड़ा गाड़ी उठाते फिर चलाते फिरते, भक्तों को हाथ पकड़ के बाथरूम में ले जाते, शौचालय में ले जाते, भक्तों के कारण नाचने लग जाते, भक्तों के कारण रोने लग जाते, भक्तों के कारण उनके बेटे बन जाते। ये कैसे भगवान व्यापारी हैं? कोई व्यापारी किसी ग्राहक का बेटा नहीं बनता, लेकिन वो व्यापारी बेटा भी बन जाता है। है प्रभु, वसुदेव देव की यहाँ बेटे बन गए कि नहीं बने? और कई जगह। अरे ये कैसा व्यापारी है, मच्छ कच्छ भी बन जाते, सुकर कुकर भी बनने में इनको संकोच नहीं होता। एक कैसे व्यापारी अपने ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए। प्रभु लाख लाख प्रणाम तुम्हें, करोड़ करोड़ प्रणाम, अरबों अरबों प्रणाम, प्रणाम ही प्रणाम। प्रभु तुम्हारा व्यापार आज सुनोगे, प्रभु का व्यापारी प्रणाम। क्या गजब का व्यवस्था है, क्या सुंदर व्यापार चलाया भगवान। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। नर नारी का चैतन्य, इसलिए उसका नाम नारायण। सारी सृष्टि की नाड़ है तो नाम नारायण। सृष्टि का बीज जो है, उत्पत्ति स्थान, उसमें उसका अस्तित्व है, इसलिए वो नारायण है। सभी के अंतःकरण का प्रेरक है, प्रकाशक है। अभी अभिमान में आ गए तो शत्रु देकर तमाचा लगवा देता है, विषाद में आ गए तो मित्र देकर उत्साह बढ़ा देता है। कभी गड़बड़ में मैं कुछ हूँ तो सासू के द्वारा आंख दिखवा देता है, कभी मैं बड़ी सास हूँ तो बहू के द्वारा कुछ करवा देता है। कैसा व्यापारी है तू, कभी ननंद के द्वारा भाभी की खिंचाई करवा देता है, तो कभी भाभी के द्वारा ननंद को ठीक कर देता है। तो कैसा व्यापारी, कभी नेता के द्वारा जनता को पुचकार करा देता है, तो कभी जनता के द्वारा नेता का उत्साह बढ़ा देता है। कैसा है सीए बीए, सब ऐसे ही होता है। कभी ऑफिसर के द्वारा चक्कर खिलवा कर जरा, तो कभी ऑफिसर के द्वारा साइन करवा के उत्साहित कर देता। ये कैसा व्यापारी है। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम माना जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों में जिसकी सत्ता स्फूर्ति फैली, एक एक ब्रह्मांड का एक एक ब्रह्मा जी, और कितने ब्रह्मा जी, ओहो कितने ब्रह्मांड है, हम सोच नहीं सकते, गिन नहीं सकते, और सुचारू रूप से चल रहे और सबको अपने तरफ आकर्षित करता है। नहीं तो कहाँ एक पानी की बूंद से डीप बिगनिंग हुई, और कहाँ बड़े विद्वान हो गए, बड़े ऑफिसर हो गए, बड़े आईजी हो गए, बड़े सर्कल इंस्पेक्टर हो गए, क्या क्या करवाता और प्रमोशन के लिए जंप लगवाता है, फिर सब छोड़ छाड़ के रवाना करवा देता है। मैंने एक दोपहर को 11-12 बजे देखा, नीम के पेड़ के नीचे एक बड़ा सुंदर पतंगिया फरफरा रहा था, और झटाक से पक्षी आया, उसको झपेट लिया। मेरे को धक्का लगा कि हाय हाय क्या क्रूरता है,
और सुंदर पतंगिया था खेत खली में जो बेचारा लहरा रहा था पेड़ पौधों के, उसने पकड़ा और उसके पंख तोड़े और उसका गलौदा बोचार नोच नोच कर पक्षी खा दिया। तो बाहर से लगा कि कितना सुंदर जीव था और कितना अन्याय हो रहा है ईश्वर की सृष्टि में, उसने क्या बिगाड़ा बेचारे ने। लेकिन सत्संग से तुरंत ये भी बात आई कि उसने कुछ बिगाड़ा नहीं, ये व्यापारी का व्यापार है, उसकी लीला है। छोटे छोटे जीव जंतु में से सुंदर पतंगिया बना, लेकिन इस सौंदर्य को और इस शरीर को भी मैं मत मान, पकड़ मत। पक्षी भेजा और पक्षी ने उसको खा लिया। उस शरीर से पक्षी का दर्शन करके अब वो उन्नत होगा, पक्षी बनेगा, एक कैसा व्यापार है। और पक्षी से फिर धीरे धीरे मनुष्य बनेगा और मनुष्य से देर सर बेरो बापूजी को जैसा ज्ञान मिला ऐसा ज्ञान भी देने के लिए कैसा व्यापार कर रहा है व्यापारी, कैसी लीला कर रहा है। क्योंकि उस पतंगिये का शरीर वो अपना पहले तो था नहीं, उसको मिला हुआ था, मिले हुए में फंसे नहीं इसलिए छीन लिया और दूसरा दिया, उसमें फंसे नहीं तो छीन लिया तीसरा चौथा चौथा। तुम कहीं ना फंसो, तुम मेरे सपूत हो, मेरे लाल हो, इन खिलौनों को मैं मत मानो। गाड़ी में बैठ गए तो मैं गाड़ी नहीं है नहीं हूँ ये बात पक्की, घर में बैठे तो मैं घर नहीं हूँ ये बात पक्की, ऐसे शरीर में आए तो ये मैं शरीर नहीं हूँ ये बात पक्की। समझाने के लिए क्या क्या व्यापार कर रहा है, क्या क्या लीला कर रहा है लीलाधारी प्रभु। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, मुझे वासुदेव की सत्ता को चेतना को अस्तित्व को जो सर्वत्र मानता है ऐसा महात्मा दुर्लभ है, ऐसा कहकर लोगों को महात्मा के सत्संग में भेजने की तेरी कैसी बेचा व्यापार की लीला है। और भागवत में यज्ञ करते हैं तो यज्ञ पुरुष परमात्मा स्वयं साधु संतों के पैर धोने का व्यापार करता है, उनकी झूठी पत्तले उठाने का व्यापार करता है, फिर किसी साधु त्रिकाल ज्ञानी साधुओं के मुख से मौन तुड़वा देता है। मौनी बाबा कुछ बोलो, जीभ का उपयोग करो। पहुंचे हुए संत बोलते हैं कि माधव हम तुम्हें जानते, तुम पैर क्यों धो रहे हो, तुम तो आदि नारायण हो, प्राणी मात्र के हृदय में हो, वेंकुटाधिपति होकर लीला करते हो और यहाँ कन्हैया होकर पत्तल उठा रहे हो और हमारे पैर धो रहे हो, हम तुम्हें जानते हैं। तो वो कैसा व्यापारी है, कहता है कि महाराज जल से भरे हुए जलाशय वास्तव में तीर्थ नहीं, धातुओं से बनी हुई मूर्तियां भगवान नहीं, लेकिन भगवान जो सबके हृदय में बसा है उसका ज्ञान देने वाला महापुरुष तीर्थों में और भगवत मूर्ति में तो खूब समय लगाओ तब कहीं हृदय शुद्ध होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे संतों का दर्शन सत्संग से हृदय शुद्धि और अंतःकरण का बाद होकर परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। इसलिए महाराज मैं ज्ञान की भूख से आपके चरण धो रहा हूँ ताकि दुनिया को भी सत्संग के ज्ञान की भूख लगे। कैसा व्यापारी है, लाख दो लाख वाला करोड़पति हो जाए तो उसकी चाल बदल जाती है, लेकिन ये दुनिया का स्वामी और उसकी चाल कैसी। साधुओं का पैर धोने में उसे संकोच नहीं, इसमें ईश्वर का ऐश्वर्य है, उसका बड़प्पन असली बड़प्पन है। पत्तल उठाने से भी बड़प्पन न जाए कैसा खुदा है, महात्मा के पैर धोने से भी भगवान का बड़प्पन नहीं जाता कैसा असली बड़प्पन है। द्रौपदी जा रही है कि सुबह सुबह जाना और भीष्म को प्रणाम करना, और भीष्म होलसेल में आशीर्वाद देते हैं दुर्योधन की पत्नी को, सौभाग्यवती भव, अब तेरे पतियों को कल मौत का निशाना बनाएंगे ये अपना भीष्म, तो ध्यान में बैठे होंगे तू जाके उनको प्रणाम करना और जरा चूड़ियां हिला देना तो बोल देंगे अखंड सौभाग्यवती भव, तो तुम बोल देना आज तो मेरे पतियों को पहुंचाने का संकल्प था आपका और मेरे को सौभाग्यवती आशीर्वाद दिया, अब कौन सी बात सच्ची होगी, ऐसा सेटिंग कर देते कैसा व्यापारी है। भीष्म से बुलवा देते, द्रौपदी को समझा देते, ये कैसा व्यापारी है। द्रौपदी सुबह सुबह जाती तो रास्ते में बंसीधर मिलते, अरे पगली तो ये चप्पल पहन के जा रही, खट खट आवाज सुनेंगे और देख लेंगे तो सारी बाजी
चौपट हो जाएगी, ला चप्पल मुझे दे दे। अपने पीताम्बर में पीताम्बरधारी विश्वधारी द्रौपदी की चप्पल उठाता है कोई शर्म, है कोई लज्जा, है कोई बड़प्पन का अहंकार? कैसे देव है? द्रौपदी का चप्पल कृष्ण उठा लेते। अब जा चुपके और प्रणाम कर और जरा हिला देना चूड़ियां बढ़िया। प्रणाम करती और चूड़ियां हिलाती है तो वो उड़े सदा सौभाग्यवती बहु। बोले महाराज कल तो शाम को आपने प्रण किया कि कल शाम का सूर्यास्त पांडव नहीं देखेंगे, इन पांच पांडवों से पांडवों को मैं रवाना कर दूंगा। दुर्योधन ने आपको उकसाया और आपने शपथ ली और आज आप मुझे कहते कि अखंड सौभाग्यवती भव। महाराज कौन सा वरदान सच्चा होगा? ऐ ऐ द्रौपदी तू सुबह सुबह यहाँ, सच बता बेटी तेरे को भेजने वाला कहाँ छुपा है? ओ माधव केशव ये क्या कर दिया? मैं मौत स्वीकार करूंगा लेकिन मेरा वचन मिथ्या ना हो। अगर पांडवों को मारता हूं तो भी आज का सुबह का वचन मिथ्या होता है, और नहीं मारता हूं तो कल का वचन मिथ्या होता है। केशव ओ भेजने वाले व्यापारी तू कहां चुप गया रे? बंसी बज रही कहां है तू? अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम वैद्याचार्यों ने अनेक रोगों के कारण बताए, उपचार बताए। अंत में ये लिखा कि कोई ऐसा रोग हो के हमारे कारणों और उपचारों से भी बाज ना आता हो तो सब रोगों को मिटाने वाला निरोग नारायण का ये नाम जपना। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम। कोई भी रोग हो तन का मन का, अच्युताय जो अपने पद से अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते। ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड च्युत हो जाते, चक्रवर्ती राजाओं के पद और इंद्र के पद भी च्युत हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग भी च्युत हो जाते, फिर भी जो च्युत नहीं होते वह अच्युत है, गोविंद है, अनंत है, उसके शरण हो। नारायण नारायण बहुत लाभ होगा। अच्युताय आय अनंताय नाम भेषजा। आयुर्वेद का ग्रंथ बनाया, आखिर में ये लिखना उनको जच गया। मैं तो उन लिखने वाले आयुर्वेदाचार्यों को भी धन्यवाद दूंगा। नारायण 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 नारायण। अब क्या हुआ? भीष्म जी इधर उधर झांक रहे, कृष्ण आए, केशव ये क्या कर दिया? कुछ भी करो मेरा वचन से झूठा ना पड़े। तो कृष्ण बोलते तुम्हारा वचन झूठा नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हारे वचन को सत्य करने के लिए मैं अपना वचन झूठा कर लेता हूं। ये कैसा है व्यापारी? मैंने वचन किया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन अब मैं हथियार उठा लूंगा तो तुम्हारा वचन सच्चा पड़ जाएगा। मैं अपना वचन मिथ्या कर देता हूं मेरे भक्त का वचन सत्य करने को।
ये कैसा व्यापारी, कैसा भगवान का अंतःकरण हृदय कांप रहा है सदा, जैसे मां के पेट में बच्चा लात मार देता है तो मां क्या करती है, उसको फेंक देती है या बदले में गुस्सा मारती है। मां सब सह लेती है, उसका भला चाहती है। ऐसे ही अच्युत हम आपके पेट में, हम जैसे हैं जूठे हैं ये हैं वो हैं, लेकिन ये सारे हमारी हरकतें तू सह रहा है और हमें उन्नत किए जा रहा है। बच्चा मां के पेट में हिलता डुलता है या थोड़ी लात मार देता है, मां पीड़ा सह लेती लेकिन बच्चे को दंड नहीं देती। पुत्रो कु पुत्रो जायस्ते तदपि माता कुमाता न भवती, ऐसे महाराज हम आपको भूलकर इस आपकी माया में उलझ रहे हैं, न करने का कर रहे हैं, न बोलने का बोल रहे हैं, न खाने का खा रहे, फिर भी तू निभाता चला जा रहा है और हमको उन्नत करता जा रहा है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में वल्लभाचार्य ने व्याख्या की कि भगवान ये कैसे व्यापारी, प्रतिक्षण कंपमान भगवान का रहता है, थनगनित हो रहा है कि कैसे इनको उठाऊं, कैसे इनको ब्रह्म सुख दूं, ब्रह्म रस दूं, मोक्ष दूं। प्रतिपल भगवान का हृदय उसी भाव से कंपायमान हो रहा है। हृदय का कंपन ही उनकी करुणा वरुण और सृष्टि, और फिर ऐसा ज्ञान वेदों का कि जो ज्ञान से सिद्ध होता है वो भी पूर्ण सत्य नहीं है, और जो ज्ञान से मिथ्या हो जाता है वो भी पूर्ण सत्य नहीं है, जो ज्ञान से दिखता है वो भी पूर्ण नहीं है, और जो ज्ञान से मिटता है वो भी पूर्ण नहीं। भीष्म को कहा कि देखो मैंने कहा था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा और तुमने शपथ ली थी कि मैं पांडवों को मारूंगा इन 5 बाणों से, अगर श्रीखंडी सामने ना आया तो, और कृष्ण ने हथियार न उठाए तो मैं हथियार उठा लेता हूं तो मेरा शपथ झूठा पड़ जाएगा, आपका वचन सच्चा हो जाएगा। मैं हथियार उठा लूंगा तो आपके दोनों वचन सच्चे हो जाएंगे, पांडव भी जी जाएंगे और आपका वचन भी सच्चा हो जाएगा, कृष्ण ने हथियार उठाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हथियार की जरूरत पड़ती तो हथियार उठाते, नाचने की जरूरत पड़ती तो नाचते, रोने से मंगल होता है हमारा तो, हे सीते 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 भाई लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण, कैसी लीला करके हमारा कर्तव्य का मार्गदर्शन करते हैं, कैसी लीला करके हमारा प्रेमा भक्ति बढ़ाते हैं, और कैसी लीला करके मैं ही भगवान हूं, धरती पर मेरे सिवा कोई भगवान नहीं। हिरण्यकश्यप ने तप किया और कभी न मरने के सारे वरदान ब्रह्मा जी से, न नीचे मरू न ऊपर मरू, न अस्त्र से मरू न शस्त्रों से मरू, न दिन में मरू न रात में मरू, न मनुष्य से मरू न देवता से मरू, सारे मांग लिए और फिर उपद्रव चालू किया, मैं ही भगवान। हे व्यापारी नारायण, लोगों का ज्ञान वृद्धि और प्रेम भक्ति और मर्यादा का स्थापन करने और भक्त की महिमा जगाने वाले, हे व्यापारी तू कैसी लीला करता है। उसी के घर में भगवान को मानने वाला पहला दे डाला, कहो तो इतना हिरण्यकश्यप का आतंक, भगवान मेरे सिवाय धरती पे कोई भगवान नहीं है, ना आकाश में, मैं ही भगवान। उसी के घर में भगवान को मानने वाला प्रहलाद, और प्रहलाद को दंड दिया, प्रलोभन दिया, पुचकार दिया, लेकिन प्रहलाद कहते कि वासुदेव आप में भी भगवान है और सब भगवान की लीला है, सब मत कहो, हिरण्यकश्यप अकेला भगवान है। पिताश्री में पुचकारता है प्रहलाद को, बोले पिताजी मैंने एक कहानी सुनी है, एक राजा ने महल बनाया और 10 महीने करीब खड़े रहकर महल की देखभाल की, और महल बन गया और राजा महल में रहने गया,
और वहां मच्छर भूं 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 करने लगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बेटा मैं तुझे इतना समझाता हूं, इतना रोकता हूं हरि की भक्ति से, हरि व्यापक है, सर्वत्र है, सबका आत्मा है, ये मत बोल, मैं तुझे रोकता हूं, फिर भी तू क्यों नहीं रोकता बेटे? प्यार पुचकार से उसको बदलना चाहते थे। तो प्रहलाद के द्वारा कहानी सुना दी गई कि वो राजा ने महल बनाया 10 महीने, फिर वो मच्छर भूं भूं करने लगा। तो पिताश्री, राजा मच्छर की भूं भूं से क्या महल छोड़ देगा? बोले, हरगिज नहीं। ऐसे ही जीवात्मा 10 महीने अपना ईश्वर रूपी महल बनाता है और बड़ी मुश्किल से मनुष्य की बुद्धि मिलती और भगवान की भक्ति मिलती है, तो तुम्हारी भूं भूं करने से मैं छोड़ दूंगा? अरे मैं छोड़ दूंगा पटका नीचे, और उसको यातना दी, और यातना सहते भी वासुदेव सर्वमिति करते करते आखिर स्तंभ तपा दिया लोहे का। तू बोलता है सर्वत्र है तो इसमें आए तेरा भगवान, जा आलिंगन कर। वो आलिंगन करता धड़ 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 वो नरसी अवतार हो जाता है। बिजनौर में पंडित राम अवतार शर्मा, पुनर्जन्म नहीं होता बिजनौर, इसलिए आगन राम अवतार ने 1000 पन्ने की बड़ी पुस्तक प्रकाशित करवा दी। भगवान का मानो ठेका उन्होंने लिया, जो पुनर्जन्म नहीं होता, जो है यही है बस, पुनर्जन्म नहीं होता, उस पर लिखा भाषण लिखा। और उसी के घर में ऐसा बालक दिया कि बालक जब बोलने लायक हुआ तो बोला, मैं बिजनौर में फलानी जगह पर मेरा घर था, हम 3 भाई थे, मेरे बाप का नाम फलाना था, वो 2 भाई अभी बूढ़े हो गए, मैं मर गया हूँ, तुम्हारे घर आया हूँ। ओ राम अवतार शर्मा, पंडित देखने गया, सिर कूटने लगे कि भगवान चुपचाप बैठना, तुमको बोर होना लगता है। ईश्वर को नहीं मानता था उसको ईश्वर मानने वाला बेटा दे दिया घर में, पुनर्जन्म में नहीं मानता था तो पुनर्जन्म की बात मेरे मुंह पे और मेरे पड़ोस का बच्चा मेरे घर देख मेरे के मुंह पे भी चपत लगा। विद्वता का अहंकार हो, सर्वोपरि का अहंकार हो, उसको भगवान चपत लगाकर भी अपने तरफ मोड़ते, ये कैसे बनिया है। और जो प्रीतिपूर्वक भजते उसके हृदय में ज्ञान प्रेम और माधुर्य भर देते, कैसे भगवान है, कैसे लीलाधारी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओमकार का उच्चारण करने से विज्ञानियों ने नाप तोल किया। फ्रांस के वैज्ञानिक डॉक्टर एटोनी बोविस ने सात्विक जगहों का कितना प्रभाव पड़ता है मंत्र का, उसको खोज कर घोषित किया। ऊर्जा का मापक यंत्र का उपयोग करके बोविस ने बायोमीटर यंत्र, ऊर्जा मापक यंत्र का उपयोग करके इस सात्विक ऊर्जा का शरीर पर कितना अच्छा लाभ पड़ता है। ऊर्जा का पैट्स 6522 कम से कम और अधिक से अधिक 16,000, 6,500 कम से कम चाहिए और अधिक से अधिक 16,000 हो जाता है। सामान्य स्वास्थ्य आदमी अपनी ऊर्जा कैसे बढ़ाए? बोले, मंदिर पूजा स्थलों में जाते हैं तो वहां 11,022 होता है, लेकिन ओमकार का उच्चारण करो तो 70,022 तक पहुंच जाता है। उसको 22 की ऊर्जा मापने की प्रेरणा, ओमकार पर रिसर्च करने की प्रेरणा देने वाला व्यापारी कौन सा है? ओमकार की। और प्रार्थना स्थल और मजहबों के वहां जाने से 11,000, लेकिन अकेला ओमकार का उच्चारण करने से 70,022 ऊर्जा हो जाती।
तो मुझे भी उसी ने प्रेरणा दी, आते ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम 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 ओम, तुम्हारी ऊर्जा बढ़े, ऐसी प्रेरणा कौन से व्यापारी ने दी, किसने सिखाया, मुझे किसने बताया कि आज के युग में ऐसा करवाओ। 70,024 कहां तो 6,500 ज्यादा से 16,000, लेकिन इसका उच्चारण करने से 70,024, ये मेरे को प्रेरणा देने वाला कौन है, वही बनिया, वही व्यापारी जो दिन रात लोगों की उन्नति के व्यापार में लगे हैं। ओम 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 प्रभु जी, ओम 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 प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी, ओम ओम बनिया जी, ओ सबके जी, ओ प्रभु जी, आजाराम बापू को बापू बनाने वाले, अब ये प्रेरणा देने वाले तुमने ओम ओम का प्रचार कैसे करवा दिया। ये 24 की बात तो अभी हम पढ़ के सुना रहे हैं, पहले मुझे पता नहीं था कि 70,024 ऊर्जा हो जाती है, कहाँ तो 6,500 और कहाँ 70,000, 60 और 10। हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम ओम ओम, इससे भारत विश्व गुरु बन के ही रहेगा, पक्की बात है जो तूने ठान लिया है, तूने ही बुलवाया है महाराज। हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम 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 ओम। जो लाइव टेलीकास्ट सजीव कार्यक्रम देख रहे हैं, अपने अपने घरों में टीवी के आगे ही कर लो, लाला लालिया हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, घर की ऊर्जा बढ़ेगी जी जागरण के द्वारा। जो देश परदेश में देख रहे हो, हरि ओम 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 करो, 70,024 ऊर्जा इस पावन उच्चारण से होती है, लाला लालिया बिटिया बिटवाओ, तेजस्वी हो जाना, महान आत्मा बनना है तुमको बेटे। हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम 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 प्यारे जी दाता जी, हरि ओम 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 अच्युताय, ओम ओम गोविंदाय, ओम ओम अनंताय, ओम ओम रामाय, ओम ओम श्यामाय, कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश, ओम 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 शंभु भोले, ओम 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 आदि शक्ति जगत जननी माँ, ओम ओम गणपति देव, ओम ओम झूलेलाल साईं, ओम 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 गुरुदेव, ओम 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 गुरु, ओम अभी वो यंत्र यहाँ आकर स्थापे तो कितना दूर तक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से इस तुम्हारे ब्रह्मांड को चीर कर जाने वाली तुमुल ध्वनि कितने जीवों का मंगल कर सकती है, वो यंत्र नहीं बता सकता है। इस ब्रह्मांड को लांग जाती है ओमकार की तुमुल ध्वनि, सामूहिक जब तुमुल ध्वनि पैदा करता है। ये कैसी व्यवस्था है परमेश्वर की, कैसे व्यापारी है नारायण। अपने घरों में ओमकार का चित्र, स्वास्तिक का चित्र, भगवान का चित्र रखो, लंबा श्वास उच्चारण करो ऐसे, फिर होठ बंद मां पर, जितनी देर उच्चारण किया उतनी देर चुप, एक टक देखो, आंख की पुतली नीचे नहीं ऊपर नहीं दाहे नहीं बाहे नहीं, मैं किसी का बुरा ना चाहूं, बुरा ना सोचूं, बुरा ना करूं, और इस प्रकार का उच्चारण करो, एक दो तो क्या, हजार दो हजार क्या, लाखों करोड़ों लोगों को भ्रमित करने वाले तुम्हारी खिलाफत करने लगेंगे, देर सवेर उनको तुम्हारे पक्ष में ही बोलने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तुम्हारे खिलाफ ज्यादा टिक नहीं सकती, क्योंकि तुम किसी का बुरा चाहते नहीं, बुरा सोचते नहीं, बुरा करते नहीं, तो फिर तुम्हारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा उनको पवित्र बना देगी, उनका मंगल कर देगी,
मंगल भवन अमंगल हारी। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावना। दुनिया को जानोगे तो उसकी बदमाशी, उसकी तुच्छता, उसकी नश्वरता से मन उपराम हो जाएगा। कितना भी सुंदर सुंदरियां दिखते और आकर्षक का केंद्र बनते, जरा मन से उनका चमड़ा हटा कर देखो, जरा मन से नाक उठा नाक ऊंचा करके देखो क्या भरा है। होठों के भीतर छुपे हुए है हीरों की कतार, जैसे सुंदरी के सुंदर दांतों में मरे हुए बैक्टीरियाओं की बदबू और थूक है। नाक से लीट निकलती, आंखों से कीचड़ निकलती, अंतःकरण में कपट भी छुपा रहता है एक दूसरे के प्रति। कितना भी हस्बैंड प्यार करता हो लेकिन कुछ न कुछ पत्नी से छुपा कर ही रखता है। कितना भी पत्नी प्यार करती हो कुछ न कुछ पति से हस्बैंड से छुपा के रख। शरीर में तो हाड़ मांस मज्जा मल मूत्र थूक लीट और मन में छल कपट बेईमानी और नश्वरता छुपी है। ऐसे शरीरों के प्रति एक दूसरे के प्रति सद्भाव पूर्वक कर्तव्य निभा लो उनकी भलाई का। बाकी शरीरों से चिपक चिपक के आसक्ति कर करके अपना समय मत गंवाओ और उस व्यापारी के व्यापार में अड़चन मत। भगवान का व्यापार है तुम्हें स्वस्थ करना, सुखी करना, सम्मानित करना और अपने से मिलाना। आप हाँ कर लो, प्रभु हम तैयार है, बस। ये हास्य प्रयोग से भी स्वास्थ्य भी आता है। किसी का बुरा न सोचे, बुरा न चाहे, बुरा न करें, आप सम्मानित हो जाएंगे, हृदय में दाह नहीं रहेगी। भाभी के प्रति ननंद तू अपना कर्तव्य निभा ले बेटी। भाभी तू ननंद ऐसा करती, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करके अपना दिल खराब मत कर, तू अपना कर्तव्य निभा ले। बहू के प्रति सासू जी तू उदार बनकर अपना कर्तव्य निभा ले, उसकी वो जाने। ऐसे सासू के प्रति बहू देवी बिटिया तू अपना कर्तव्य निभा ले, देख तेरा हृदय वो व्यापारी कैसे उन्नत करता है। जो कहलवाता है वही तेरा हृदय उन्नत भी करेगा। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ तागे मेल आपस में करें, ये सूत्र अपने घरों में लिखा दो, घर के झगड़े शांत हो जाएंगे, बीमारियां कम हो जाएंगी। नारायण नारायण चलते फिरते बच्चों की आदत डाल दो। राम हरि माधव गोविंद अच्युत, यह साहेब ऐसा राम राम बेटे, नारायण नारायण। थोड़ी सी कथा सुना दो। जब भी कोई किसी की फरियाद करता है कुटुम कुटुम में, तो जरूर कुछ न कुछ झूठ बोलेगा, मिलावट करेगा, तो सामने वाले के हृदय में नफरत थोड़ी है और बढ़ेगी। काय को नफरत के बीज बोए, काय को एक दूसरे को तोड़े। मुझे तो चार भाई, एक भाई 55-60 का होगा, उनका बाप भी मिला, भाइयों का बाप भी मिला, और चारों भाई साथ में रहते, मैं तो बड़ा प्रसन्न हुआ। ये संस्कृति के संस्कार, क्योंकि उनके दादाजी गंगा जी में घंटों भर बैठ कर जब ध्यान करते थे, तो पिताजी नारायण नारायण नारायण, काम काज अच्छा चलता है, सुखी है, चार भाई एक साथ रह रहे मुरादाबाद में और भी कई जगह पर, जिन्होंने भारतीय संस्कृति का आश्रय लिया, वे उदारात्मा बुद्धिमान होकर बहुएं भी साथ में रह लेती और भाई भी साथ में रह लेते हैं, और उनके बेटे देश विदेश में पढ़ते हैं, बेटे और बेटे मतलब वो भी 20 साल के, 18 साल के, 21 साल के ग्रेजुएट बेटे भी, दादा भी है, बाप भी है, पोते भी हैं। तो ये भारतीय संस्कृति का मैं क्या संस्कार नहीं होता, तो चार भाई इतने साथ में नहीं रह सकते।
विदेशों में तो पति पत्नी भी साथ नहीं रह सकते और एक अंधा कानून बनने जा रहा है। पति पत्नी नाम भी हो केवल साथ में रहे तो कानूनी ढंग से उनको मान्यता मिल जाती है, इससे व्यवस्था चरमरा जाएगी, नारियों के साथ अन्याय हो जाएगा, नरों के साथ जुलम हो जाएगा, बच्चे बेचारे आवारा हो जाएंगे अगर ये कानून पास हो गया तो। विदेशियों का अनुकरण करके अपनी भारतीय संस्कृति में ऐसी अंधी छूटछाट देकर वोट बैंक ना बनाए, भारत की रीढ़ मजबूत रखे, क्योंकि कुछ वर्षों में भारत की नकल करके विश्व के लोग सुखी होंगे। तुम भारतीय संस्कृति के शादी परंपरा को क्यों गला घोंटते हो? शादी परंपरा में जो बंधते हैं उनका एक दूसरे के प्रति कर्तव्य उत्तरदायित्व तो हो जाता और बच्चों को उन्नत करने में भी दोनों सहभागी हो जाते। मैंने अखबारों के द्वारा सुना, मुझे लगा कि जनता को कहूं इस कानून में स्त्री का भी हानि है, पुरुष का भी हानि और आने वाले बच्चों की भी हानि है। ये जो परंपरा हमारी चली है शादी विवाह की मर्यादा की, इससे संयम का भी काम होता है। रिलेशन कानून नुकसान करेगा, महाराष्ट्र में चलेगा फिर देश भर में आएगा, देश भर के लोग। खैर मैं बताऊंगा बात आपको सत्संग की, वो कैसा व्यापारी है। बुद्ध के शिष्यों के अंतःकरण में स्पूर्ण कर दिया, महापुरुष के आगे मौनी होकर मत बैठो, कुछ पूछो, जीव का उपयोग करो, उनकी बुद्धि का फायदा लो। बुद्ध से शिष्यों ने पूछा के भंते सबसे ज्यादा ठोस ये चट्टान ही तो है। बुद्ध ने कहा नहीं वत्स, इससे ज्यादा प्रभावशाली शक्तिशाली लोहे की चट्टान लोहा है। लोहे का थोड़ा सा हथौड़ा इस चट्टान को तोड़ देता है, वो लोहा नहीं टूटता, चट्टान टूटती। बोले लोहा से भी कोई ज्यादा प्रभावशाली, लोहे को भी मात कर दे ऐसी भी कोई ठोस चीज है या ऊंची चीज है? बोले हाँ, अग्नि लोहे को पिघला देती है, मोड़ देती, मोड़ने के काबिल कर देती। अग्नि से भी भंते कोई ठोस है, कोई प्रभावशाली? बोले हाँ, पानी, पानी के एक बूंद का मिश्रण से मनुष्य बन जाता है, पानी से पेड़ पौधे वृक्ष और जीवन संचार, और अग्नि को ठंडा कर देता है, अग्नि बुझा देता है पानी, फायर ब्रिगेड वाले पानी की पिचकारी लगा देते अग्नि को नियंत्रित कर देते। बोले इस पानी से भी कोई ठोस है? बोले हाँ, वो वायु। लाखों करोड़ों गैलनों लिए हुए पानी बादलों को, उस पानी को वायु ले भागती, किधर का किधर जा फेंक, वायु से ज्यादा शक्तिशाली। बनते वायु से भी कोई ज्यादा प्रभावशाली शक्तिशाली है? बुद्ध ने कहा वत्स, तुम सर्वोपरि शक्ति के विषय में पूछना चाहते हो तो वो है संकल्प। संकल्प वायु को भी घुमा देता है, वायु का भी उपयोग कर लेता है। संकल्प ये 8 और 9 तारीख को मुरादाबाद में मैंने इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डाला, 10 तारीख अखबारों में आया कि ताइवान में एक सांप को खाने के लिए चूहा दिया गया, पिंजरे में रखा गया, और सांप भूखा सांप जो चूहे की तरफ बढ़ा तो पिंजरे में पड़ा पड़ा सांप चूहा देखा कि अपने सिर पर आ गई है, और चूहे ने ठान ली, वो निकला, सांप उसको पकड़ के स्वाहा करने के लिए आगे बढ़ा तो चूहे का संकल्प उस पर हावी हुआ। एक बार में संकल्प शब्द नहीं है, मैं अब मिलावट कर रहा हूं थोड़ी,
दैनिक जागरण आदि में मेरे को किसी ने पढ़ के सुनाया था अखबार। चूहा 30 मिनट तक सांप से जूझता रहा और चूहे का शिकार करने वाला सांप खुद चूहे से शिकार हो गया। क्या संकल्प की कथा चली और कहां ताइवान की बात मेरे तक पढ़ने में आई, सुनने में आई। मतलब चूहा भी ठान लेता है तो काल को मात कर देता है। बुद्ध की बात से हम यहां तक सहमत तो हैं, लेकिन मेरा मन रुका नहीं। मैंने सोचा कि बुद्ध के शिष्यों ने पूछकर चुप कर ली होगी, लेकिन इससे भी कुछ ठोस है। मुझे तुरंत हुआ, वो कैसा बनिया है, कैसा व्यापारी, मेरे हृदय को प्रेरित किया उस परमेश्वर। संकल्प सर्वोपरि है, वो बुद्ध के शिष्यों तक कथा पूरी हो गई, लेकिन मेरे हृदय में कथा और आगे बढ़ाई उस कथाओं के अधिष्ठाता कि संकल्प से भी कोई और है, जहां से संकल्प फलते, फल फल कर सफलता पाते और सफल चीजें छोड़कर सफल व्यक्ति मर जाता है, फिर भी जो नहीं मरता वो कौन है। और कई संकल्पवान धरती पर पैदा हुए और चल बसे, फिर भी ये सृष्टि चल रही है। वो उन सबसे ऊंचा और ठोस है। खोजो जिनके बहुत संकल्प होते, उनके संकल्प कमजोर रहते। जिनके संकल्प शांत होते, उनके संकल्पों में बल होता है, ये मैं जानता हूं। तो संकल्प शांत होने से संकल्प में बल आता है, जहां से वो संकल्प से बड़ा है। मैं इस निष्कर्ष पे आ गया, जितना निसंकल्प उतना उस पुरुष के संकल्प में सामर्थ्य। ब्रह्मा जी समाधि लगाते हैं, वर्षों भर निसंकल्प रहते हैं, सृष्टि कर लेते हैं। भगवान नारायण देव शनि एकादशी अभी तक निसंकल्प शयन कर रहे हैं। और फिर देवजगी एकादशी 4 महीने पूरे होंगे, फिर पालन का संकल्प फेंक देंगे और जीवों की पालना होती रहेगी। हम भी निसंकल्प रहे, इधर देर से क्यों आए। जितनी देर सुबह निसंकल्प ध्यान रहा उतनी देर, बीच में संकल्प होते फिर तो उस नियम को करके आए, तभी आप लोग मेरे लिए पलके बिछा कर बैठे। आप केवल शब्द सुनने के लिए इतनी पलके नहीं बिछा सकते, मेरा भाषण सुनने के लिए इतनी भीड़ मेरी दीवानी नहीं हो सकती है। लाखों करोड़ों लोग मुझे स्नेह करते हैं, उसके पीछे मेरा कोई आयोजन नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, और मेरे पास कोई ऐहिक दुनिया की सत्ता नहीं। फिर भी कौन सी सत्ता है जो करोड़ों लोगों को आनंदित करती है, आंदोलित करती है और बापू के प्रति सब कुछ करने को तैयार है, ये कौन सी सत्ता है। एक अखबार ने लिखा, मेरे पास किसी ने पढ़ा, मैं अखबारें नहीं पढ़ता, टीवियां नहीं देखता, कोई जरूरी बात है कोई ले आता है ऐसा है जरा देख लिया, नहीं तो नहीं। मैं अपना सत्संग आ रहा है वो भी 6-12 महीने अथवा 4 महीने में कोई जरा सा देखा होगा तो देखा होगा, औरों का भी नहीं। मैं अपने निसंकल्प नारायण से मस्त रहता हूं, तो दुनिया में मेरे श्रोता भी उतने ही तेजी से उन्नत हो रहे हैं। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बेटियां हो, चाहे बेटे हो, चाहे माइयां हो, चाहे भाई हो। अरब का वो बंदा आया 2 दिन के लिए हिंदुस्तान और सत्संग में बैठा तो 11 दिन मेरे पास रहा। उसने क्या क्या उद्गार किए। ऐसे कोई कहीं से भी आ जाता है और कोतूलवश भी आ जाता है तो फिर वो अपना प्रोग्राम बदल कर मेरे ध्यान में, ध्यान योग शिविर में, कार्यक्रम में 2-2, 4-4 दिन बिताता है, तो मेरे पीछे पीछे लग जाते। इसके पीछे ये ठोस क्या संकल्प है कि ये मेरे पीछे लगे, कत्ते ही नहीं। अगर ऐसा करूं तो मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं, मैं खप जाऊं, पट जाऊं। मैं कोई संकल्प नहीं करता,
जहां कोई संकल्प नहीं है वो उस संकल्प से बहुत ऊंचा ठोस है, ऊंची शक्ति है। जहां संकल्प सफल होते हैं और सफलता छू छू कर संकल्प मिट जाते, फिर भी जो नहीं मिटता है मुझे वो आत्मदेव परम ठोस लगता है, परम शक्तिशाली ना भी लगे तो भी है। उस प्रभु को मेरे प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है कि प्रभु आप सबसे बड़े, संकल्पों से भी बड़े अंतर्यामी परमेश्वर आप में कई सृष्टियां खदबदा रही है, आप में कई सूर्य और कई आकाश गंगाएं लहरा रही है। हमारे संकल्प व्यवहार जगत में भले हम कह दे सबसे बड़ा संकल्प है, लेकिन प्रभु संकल्पों को बल देने वाले आपसे बड़ा संकल्प नहीं हो सकता है। मैं तो इस नतीजे पे आया, हे निसंकल्प नारायण हम आप में शांत हो जाएं। ओम का उच्चारण करो निसंकल्प। कबीर जी ने भी अनुभूति की होगी। कबीर जी कहते हैं भला होया हरि बिसर्यो, सिर से टली भला। ये निसंकल्प का संकेत कर रहे हैं। वैसे तो पूरे कबीर जी के साहित्य में हरि की महिमा गाई है, हरि सुमरण करो जीवन नहीं तो व्यर्थ है। लेकिन कहीं हरि सुमरण करते करते उस सुमरण का संकल्प बनाना रहे, निसंकल्प में आ जाए, इसलिए कबीर जी को ये कहना पड़ा भला होया हरि बिसर्यो। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा होट, निसंकल्प के तरफ इशारा है। ऐसे श्री कृष्ण जी ने कहा गीता में त्रय विद्या त्रय विषया वेदा निस्त्रय गुणा भवा अर्जुना। सर्व संकल्प त्यागी वो परम योगी है, ऐसा कृष्ण ने कहा। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सन्यासी च योगी च न निराग निरचाक्रिया, यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडवा न सन कल्प त्यागी भवति कश्चन। संकल्प का त्याग के बिना कोई योगी नहीं होता। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी भी अवस्था है जहां संकल्प को भी महत्व ना दो। समत्व योगम उच्चते, श्री कृष्ण कहते हैं तपस्वी से योगी ऊंचा है। तपस्वी का संकल्प है कुछ पाने का, कुछ बनने का, पाकर फिर गिरेगा, बनकर फिर बिगड़ेगा। कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, कर्मी कर्म करके कुछ पाएगा लेकिन वो भोग कर फिर गिरेगा। ज्ञानी भ्यो मतो अधिका, बहुत विद्वान और ज्ञानी है उससे भी वो योगी अधिक है। और उन योगियों में भी श्री कृष्ण ने साफ कर दिया योगी नाम अपि सर्वेषाम, उन सब योगियों में मदगते न अंतरात्मना, निसंकल्प हो जाए मदगत हो जाए। श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमो मता, वो श्रद्धावान जो मुझे भजता शांत होता है वो मेरे मन में युक्त योगी है। कर्मियों से, ज्ञानियों से, तपस्वियों से योगी की महानता बताते, और उन महान योगियों में भी परम श्रेष्ठ योगी क्या है, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुखद अवस्थाएं दुखद अवस्थाएं आके चली जाएगी लेकिन उसको जो जानता है वो अचल। समत्व योगम उच्चते, मुझे ये हाथ लगा तो मैंने आप तक सुनाने का कर्तव्य मान लिया। भागवत के 10वें स्कंद में आता है कि भगवान बड़े व्यापारी है। कैसे व्यापारी है, अच्युत अनंत गोविंद नाम उच्चारण भेषजाम, नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्य, सर्व मंगल मांगल्यम आयुषम व्याधि नाशनम
भक्ति मुक्ति प्रदम दिव्यम वासुदेवस्य कीर्तनम। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में लिखा है, सब मंगलों से भी अधिक मंगलमय करने वाला भगवान का नाम। कीर्तन है भगवान नाम का, कीर्तन सब मंगलों से भी अधिक मंगल है, व्याधि नाशक है और दिव्य और भोग मोक्ष देने वाला है। नारद पुराण में भी लिखा है और भी ग्रंथों में लिखा है। तो भगवान का नाम लेकर के भगवान जहां विराम करते वहां शांत हो जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निसंकल्प अवस्था थोड़ी आई, आपके संकल्प में बल आएगा, आयु आरोग्य पुष्ट होगा। तो संकल्प बढ़ा कि संकल्प में बल आता है वो बढ़ा। समझने में देर ना करोगे। संकल्प बढ़ा वो बुद्ध के चरणों में शिष्यों ने जो कुछ जाना वहां तक ठीक, लेकिन मुझे लगता है कि संकल्प जिससे फलते हैं वो कितना बड़ा कितना समर्थ। और फिर भागवत में मिला, मुझे गीता में मिला, मेरे गुरुदेव के चरणों में भी मुझे मिला। मेरे गुरुदेव ने कहा कि इन रिद्धि सिद्धियों को आ जाए तो दुत्कार देना, कुछ भी नहीं। अभी पता चला कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि थी, फिर भी हनुमान जी निसंकल्प अवस्था ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए राम जी के बिन शर्ती शरणागत सेवक हो गए थे। और राम जी का उपदेश मिला हनुमान जी को, फिर राम जी पूछते अब कैसा लगता हूं कैसा मानते हो, बोले जगत दृष्टया जीवो अहम ईश्वरो त्वम, व्यवहार दृष्टया सेवको अहम स्वामी त्वम, तत्व दृष्टया सोहम, जो आप है वो मैं ही हूं। आप जिस सच्चिदानंद स्वरूप से राम जी है उसी परमेश्वर की सत्ता से मैं हनुमान। राम जी आलिंगन करते, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। उन्हीं संकल्प नारायण तुम्हारा आत्मा, कितने कितने संकल्प आए और पूरे हुए मिट गए फिर भी जो नहीं मिटा, कितने कितने शरीर मिले और मिट गए फिर भी जो नहीं मिटा, कितने कितने दुख आए मिट गए सुख आए मिट गए, उनको जानने वाला निसंकल्प नारायण मिटा क्या, मिटेगा क्या। श्री कृष्ण कहते हैं यस्य ज्ञानमयं तपः, जिसका ज्ञान युक्त तप। भक्ति आप जिसकी करते हो उसके प्रति स्नेह पैदा करता है और संसार का आकर्षण मिटाता है, संसार का विषय वासना मिटाकर एक भगवान में भाव ले आता है। ये भक्ति का मार्ग है। अगर ज्ञान मार्ग में जाते हो तो संसार में जहां जहां आसक्ति है उनकी तुच्छता बता देता है, और ज्ञान प्रकाश सबको बाधित करके सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य है आदि सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य, उस सत्य में उस चेतन में उस अनंत में आपको जगा देता है। आग कपड़े की मैल नहीं मिटा सकती, अग्नि कपड़े को जलाती। कपड़े की मैल मिटाना है तो आग की जरूरत नहीं है, साबु पानी की जरूरत है। भक्ति है साबु पानी, अंतःकरण की मैल मिटाती। और वह अंतःकरण वह दिल, दिल भर के आनंद के योग्य, दिल भर के प्रीति के योग्य, दिल भर के रस के योग्य बन जाता है। भक्ति माता का साबुन पानी अर्थात सत्कर्म और सुमरण कथा आदि, इससे हृदय निर्मल होता है। निर्मल मनस जन सो मोहे पावा, जो निर्मल होते वो मुझे पाते। चल छिद्र कपट मोहे स्वप्ने न भावा, चल छिद्र कपट
व्यवहार में जितना छल छिद्र कपट करके लोग उन्नत होना चाहते उतने ही दुखी रहते, उतने ही शराबी कबाबी आए घोड़ा अशांति के शिकार होते। पति पत्नी से सरल रहो, पत्नी पति के आगे सच्चाई और सरलता, भाई भाई के आगे व्यापारी, ग्राहक के आगे ग्राहक, व्यापारी के आगे आनंद आनंद हो जाएगा, मंगल ही मंगल। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव, नारायण व भक्त की लगी किनारे नाव। जन्म मरण और दुखों के थपेड़ों से आपकी नाव किनारे लग जाएगी भगवान के रस ज्ञान और माधुर्य के।